मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव जी आप और रोशेना प्रवीण का आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से है, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह सेंटेंस का मेरा पहला पार्ट है, ठीक है ना। और इसमें देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। क्या होता है? सेंटेंस मीन्स वाक्य, ठीक है ना। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। Which makes a complete sense is called sentence. हिंदी में देख लेते हैं वाक्य क्या होता है। शब्दों का वह सार्थक समूह, ठीक है ना। शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करे, ठीक है ना, एक भाव पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो देख लेंगे फिर से एक बार और देख लेते हैं इसे। डिफिनेशन क्या होता है सेंटेंस का? ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ठीक है ना। यानी शब्दों का वह सार्थक समूह, वह व्यवस्थित समूह जिसको जो कि एक भावपूर्ण अर्थ प्रकट करता है, एक सार्थक अर्थ प्रकट करता है, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी भाषा को प्रकट करने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है ना, या उसके विकास के लिए सेंटेंस का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो बिना सेंटेंस का हम भाषा को प्रकट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, बिना वर्ड का, बिना सेंटेंस का, ठीक है ना। तो सेंटेंस का डिफिनेशन तो हो गया, अब देखेंगे सेंटेंस का एग्जांपल, ठीक है ना। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ ए सेंटेंस देखेंगे। ये सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना, इसको देखेंगे ध्यान से। सी इज ए ब्यूटीफुल लेडी, सी इज ए ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा। सी इज ए ब्यूटीफुल लेडी यानी कि वह एक सुंदर लेडी है, महिला है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ सार्थक हो रहा है ना, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे, ठीक है ना। यह एक सेंटेंस है, ठीक है ना, दिस इज ए सेंटेंस, ओके। तो यहाँ ध्यान देंगे कि सेंटेंस में ये सबसे पहले जो आया है वो सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले जो आया है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद ए जो है आर्टिकल है, ठीक है ना, ये क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटीफुल क्या है? तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। और लेडी क्या है? तो लेडी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है ना, किन किन चीजों की जरूरत होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक सेंटेंस को, सार्थक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से तीन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है ना। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी किसी भी सेंटेंस में, चाहे सेंटेंस कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ठीक है ना, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है ना, किसी भी, या मिक्स सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है ना। और इसके अलावा वर्ब भी
चाहिए, ठीक है ना। सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है, यदि वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों का होना जरूरी है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी रहता है, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का, बिना वर्ब का और बिना ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ सेंटेंस आपको ऐसा जरूर मिलेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं और फिर भी वो सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। जैसे वह हंस रहा है, ठीक है, वह हंस रहा है, मेरा भाई सो रहा है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं वह हंस रहा है, यानी यहां लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल में ही इज लॉफिंग, ही इज लॉफिंग, वह हंस रहा है, यह एक सेंटेंस है, ठीक है ना। ध्यान रखिए आप, ये क्या है, सेंटेंस है, ठीक है ना, और मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है ना। इसका मीनिंग भी देख लेते हैं, वह हंस रहा है, तो इसमें ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस में ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब को साइड काट में एच भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जो सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब रहता है तो उस पर भी कंप्लीट हो जाते हैं या कंप्लीट सेंस प्रकट करते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी नहीं है, कभी कभार ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस मीनिंगफुल होता है, ठीक है ना। लेकिन बिना वर्ब का कोई सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होता है। यदि वर्ब मेन वर्ब नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर रहता है, ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस यानी सेंटेंस के, यानी वाक्य के भाग कितने, वाक्य के भाग, वाक्य के भाग कितने होते हैं, तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है ना, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पहला पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है ना, पहला पार्ट सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है ना, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो उद्देश्य होता है, ठीक है ना, और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय होता है, क्या होता है, विधेय, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को लेंगे, चाहे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो, ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं, उनके मेनली जो पार्ट होते हैं वो दो ही होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो कुछ ही सेंटेंस को हम लेकर के देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं सेंटेंस का, ठीक है ना, ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। इस सेंटेंस में देखेंगे कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है, ठीक है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, वह एक मधुर गीत गाता है, ठीक है ना, वह एक मधुर गीत गाता है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे कि कौन गीत गाता है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन गीत गाता है, कौन मधुर गीत गाता है, तो आंसर मिलेगा कि वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे कि जो सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी सेंटेंस के अंतर्गत जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट के विषय में जो भी कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो इस सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट क्या होगा, ही सब्जेक्ट होगा, और प्रेडिकेट क्या होगा, तो सिंग्स ए सॉन्ग, यहां से यहां तक, ठीक है ना, सिंग्स ए सॉन्ग, ये पूरा पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है ना। और
जो भी कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट के विषय में, ठीक है ना, यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट के विषय में जो भी कुछ कहा जाएगा वो प्रेडिकेट होगा, और जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं हु लगा करके, ठीक है ना, हु इज हु सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, क्वेश्चन करेंगे हु सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, हु सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, तो आंसर क्या होगा, रिप्लाई क्या होगा, रिप्लाई होगा कि ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, रिप्लाई क्या होगा, ही, ठीक है ना, ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे इसका रिप्लाई ही आएगा, और जो रिप्लाई आएगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो डिस्कस हो गया इसके विषय में, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के विषय में। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट के मेनली टू पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं मेनली, सब्जेक्ट के मेनली टू पार्ट होते हैं, कौन कौन से इसके विषय में भी हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट के मेनली पार्ट कितने होते हैं, तो टू पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है क्वालिफायर, और दूसरा जो होता है वह हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाता है। यहाँ पे देख लेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में यहाँ पे देखेंगे यानी सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं, कर्ता के यानी उद्देश्य के पार्ट कितने होते हैं, तो देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, ठीक है ना, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट का होता है क्वालिफायर, क्या कहते हैं इसको, क्वालिफायर कहते हैं, ठीक है ना, क्वालिफायर। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेन वर्ड यानी हेड वर्ड, मेन वर्ड को ही हम हेड वर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना, हेड वर्ड कहें या मेन वर्ड कहें दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। इसमें ध्यान देंगे ये दोनों हमारा पार्ट होता है, अब इसमें ध्यान देना है कि क्वालिफायर क्या होता है और हेड वर्ड क्या होता है, तो इसको जानने के लिए एक सेंटेंस लेना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। सेंटेंस लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ध्यान देंगे यहां पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहां निकलता है, पूर्व में उगता है यानी निकलता है, ठीक है ना, सूर्य पूर्व में निकलता है। इस सेंटेंस को लिए है, इसमें देखेंगे कि कौन पूर्व में निकलता है, क्वेश्चन यदि करते हैं कि कौन पूर्व में निकलता है, हु राइजेज इन द ईस्ट, हु राइजेज इन द ईस्ट, तो आंसर होगा द सन, सन क्या होता है, पूर्व में निकलता है, यानी तो यहां पे सब्जेक्ट ये ज्ञात हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, ठीक है ना, यानी कि द सन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट का पार्ट होगा, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देंगे कि हेड वर्ड कौन है, यानी मेन वर्ड हेड वर्ड कौन है और क्वालिफायर कौन है, तो इसमें ध्यान देंगे कि जो द है यहाँ पे, ठीक है ना, द यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्वालिफायर, क्या होगा, क्वालिफायर, ध्यान देंगे यहाँ पे ये क्वालिफायर होगा, और ये जो पार्ट होगा द सन यहाँ पे हेड वर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड इसे कहेंगे या मेन वर्ड कहेंगे दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है ना, हेड वर्ड को ही मेन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी मुख्य शब्द इसमें तो सन है, ठीक है ना, और क्वालिफायर यहाँ पे द है। हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट के बारे में, पहले हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करें। क्वालिफायर क्या होता है, तो क्वालिफायर मतलब होता है निर्धारक, ठीक है ना, जो कि सब्जेक्ट को निर्धारित करे, ठीक है ना, सब्जेक्ट के को फिक्स करे, सब्जेक्ट को निश्चित करे, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट को निश्चित कौन कर रहा है, तो द कर रहा है, और द यहाँ पे क्वालिफायर है, क्वालिफायर का मीनिंग होता है क्या, क्वालिफायर का मीनिंग होता है निर्धारक, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिस्कस करना है कि क्वालिफायर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, या क्वालिफायर के कितने पार्ट होते हैं, इनके भी पार्ट होते हैं, ठीक है ना, तो क्वालिफायर के भी पार्ट होते हैं, क्वालिफायर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट होता है एडजेक्टिव और दूसरा पार्ट होता है क्या, डिटरमाइनर, ठीक है ना, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव और दूसरा पार्ट होता है डिटरमाइनर, तो चलिए देखते हैं इसके भी पार्ट को हम देख लेते हैं, पार्ट
आप सब्जेक्ट में ही इसको भी अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में ही, सब्जेक्ट के दो पार्ट अभी बताए, पहला जो बताए हैं क्वालिफायर बताए, ठीक है, क्वालिफायर, ठीक है, और दूसरा बताए पार्ट बताए हैं हम हेड वर्ड, ठीक है ना, हेड वर्ड। अब यहां ध्यान देंगे क्वालिफायर के बताए कि दो पार्ट होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव, ध्यान देंगे यहां पर। तो ये एक पार्ट एडजेक्टिव हो गया, एक पार्ट डिटरमाइनर हो गया। तो यहां पे ध्यान देंगे कि डिटरमाइनर में कौन क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है ना। तो डिटरमाइनर में वे शब्द आते हैं जैसे आर्टिकल होते हैं, ठीक है ना, वे चीजें आते हैं जो सब्जेक्ट को निर्धारित करे, ठीक है ना, सब्जेक्ट को निर्धारित करे यानी उसको फिक्स करे, उसको सर्टेन करे, ये वर्ड क्या आते हैं, डिटरमाइनर होते हैं, ठीक है ना, ये डिटरमाइनर वर्ड कहलाते हैं, ठीक है ना। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान देंगे एडजेक्टिव मीन्स होता है क्या, विशेषण, जानते होंगे आप, एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक सेंटेंस लेकर देख रहे हैं, जैसे ए ब्लाइंड मैन, तो यहां ध्यान देंगे कि ब्लाइंड ए जो है यहाँ पे डिटरमाइनर होगा, और ब्लाइंड जो वर्ड है, ब्लाइंड किसकी विशेषता वाला है बता रहा है, तो आदमी की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, ए ब्लाइंड मैन, तो ब्लाइंड किसकी विशेषता है, आदमी की विशेषता है, तो मैन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेड वर्ड हो जाएगा, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो हेड वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, हेड वर्ड कह रहे हैं सॉरी, ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, हेड वर्ड क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस किया। अगले पार्ट में हम इसके आगे वाले वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है।